एएस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन वंशी बाजार में रविवार को हुआ, वहीं मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा कि यह जनपद वीर उबरा भूमि है जो देश और समाज के प्रति महान विभूतियों और सेनानियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार के निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने में अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान करती है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 लाख महिलाओं के रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है। गांव-गांव में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था के लिए प्रदेश ने 56,000 बीसी सखियों को जिम्मेदारी सौंपकर उनके लिए निर्धारित मानदेय की व्यवस्था दी है। समाज में बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने समर्पित होकर कार्य किया है। कहा कि भाजपा महिला मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने के लिए कमर कसकर तैयार है। आज ये महिला जिला सम्मेलन था और जिले के कोने कोने से महिलाएं आकर यहाँ अपना दमखम दिखाई, उनको अपनी सरकार की योजनाओं को बताया गया और उनको बोला गया अपने गांव घर हर जगह जाके अपना चौपाल लगा लगा के हमारी सरकार की योजनाओं का वर्णन करेंगी और हर घर में हर आंगन में कमल खिलाने का कार्य करेंगी। जी जी, गाजीपुर जिले के कोने कोने से आई थी, हर मंडल से आई थी और वो अपनी मर्जी से आई, हजारों की संख्या में आई थी महिलाएं और बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक हमारी मुख्य अतिथि को सुनी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने सफल बनाया।